फिरोजाबाद मिजिल्स और रुबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ शहर के गांधी पार्क चौराहे के समीप किड्स कॉर्नर इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ, जिसमें टीकाकरण अभियान टीम के संघ प्रशासनिक अधिकारीगण भी मौजूद रहे। किड्स कॉर्नर स्कूल प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर एवं प्रिंसिपल कृपाली भटनागर ने पहले ही सभी अभिभावकों से अपील की थी कि वे बच्चों को खसरा और रुबेला जैसे दो बीमारियों को हराने के लिए टीका जरूर लगवाएं, जिसका असर भी दिखने को मिला। काफ़ी संख्या में अभिभावक भी बच्चों को टीका लगवाने के दौरान बच्चे खुशी की मुद्रा में आसानी से ये टीका लगवा रहे थे। इतना ही नहीं, उसके बाद हम जीत गए कुछ इस तर्ज पर उंगली भी दिखा रहे थे। साथ ही कई बच्चों ने यह भी बताया कि कोई दिक्कत नहीं आई। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर रूपाली भटनागर ने कहा, ऊपर देखो, उन्नति आपके अभी वैक्सीन लगी थी, कैसा लगा? लेकिन यहाँ अभिभावकों का पूरा सहयोग मिला। लगभग ये कह लीजिए 100% बच्चों ने यहाँ टीका लगवाया है। सभी खुश हैं और उनके अभिभावक इस दौरान वैक्सीन टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि सभी बच्चे हंसी खुशी से टीका लगवा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। करीब 3000 बच्चों ने ये टीका लगवा चुके हैं। कोई कहीं दिक्कत आने पर हम पूरी तरह तैयार हैं। बाकी बताया कि वे अभिभावकों से यह अपील जरूर करेंगे कि बच्चे को टीका लगवाने से पहले खाली पेट ना रखें। राज्य सरकार ने हमें निर्देश दिया है, उसी साथ ये एमआर का टीकाकरण हम लोग करा रहे हैं। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों का कराना है, तो उसमें आज इस स्कूल का था, इन्होंने बहुत अच्छा कॉपरेशन है, सब बच्चों को लगभग अब फिनिश होने पर आ गया है टीकाकरण। लगभग कितने बच्चों को एमआर का टीका लगाया यहाँ पर? यहाँ लगभग 3500 के आसपास। बीते कुछ दिनों से जो अफवाहें चल रही थी उनका कुछ? सर उसमें अफवाहें तो सर आप सब लोग जानते ही हैं कि पोलियो में भी हमारी बहुत दिक्कतें आई थी, जब भी अफवाहें हो जाती थी। कोई बात नहीं, हम तो समझाते हैं। मैं तो आप लोगों से एक ही अपील करूंगा कि बस एक अपील सोसाइटी से कि जो जिस बच्चे का टीकाकरण होना है वो भरपेट खाना खा के आए, रियल सेंस में भरपेट खाना खाए, सिवैया ब्रेड खा के ना, वो खाना खा के आए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोगों का हो रहा है। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि सोसाइटी में करें, ये बहुत एंथुजियाज्म है कि हम पोलियो से मुक्ति पा चुके हैं, स्मॉल पॉक्स से मुक्ति पा चुके हैं, उसी तरह हम मीजल्स रूबेला से भी छुटकारा पाए। क्या कार्यक्रम है आज का, ये इसके बारे में जरा विस्तार से? आज के स्कूल प्रांगण में टीकाकरण के लिए यहाँ पर सारे ऑफिसर्स उपस्थित हुए हैं और पेरेंट्स का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है। और जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं बच्चों को कि रुबेला और मिजिल से हम लोग किस तरह लड़ें और किस तरह से अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाएं, और उस बच्चों ने वाकई बहुत साहस के साथ में इस चीज़ को बहुत खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और पेरेंट्स का बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर सहयोग रहा और हर पेरेंट्स बहुत उत्साहित था कि हमारे बच्चे को भी लगना चाहिए हमारे, जबकि जब पहले अनाउंस किया गया था तो शायद 10% थे, लेकिन आज मुझे 100% कोऑपरेशन मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया और सभी का सहयोग रहा। और भी पेरेंट्स को क्या कहना चाहती हैं इस वैक्सीन और टीकाकरण के बारे में? मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ, देखिए अगर ये समाज के उत्थान के लिए, और समाज हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है हमारे जीवन का, और अगर हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ बच्चा अच्छे से करेगा, और इस तरह से पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को समझा।